तो मैंने कल वो हॉन्टेड जो मेरे साथ जो जो हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर करा पूरा लाइफ का। और उसको दो पार्ट में मैंने करा है, फर्स्ट पार्ट आया है, सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए आज खुशी की बात है, मेरा आज 5 सब्सक्राइबर बढ़ा है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पता नहीं आप लोगों को मेरी बात सुनकर हंसी लगेगी कि 5 सब्सक्राइबर पर इतनी खुशी हो रही है, लेकिन सच बोलूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है 5 सब्सक्राइबर बढ़ना। और आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक से मुझे हौसला मिलेगा सेकेंड वीडियो बनाने का। रोज़ जो मैं वीडियो बनाऊँगी सोचूँ वो बनाने का मुझे हौसला मिलेगा। और मेरे फेसबुक फ्रेंड जो मेरा वीडियो को शेयर करे हैं, और मैंने फेसबुक में जो लिंक भेजा था आप लोगों ने जो शेयर करे हो, वो जो वीडियो किसी ने सब्सक्राइब करा है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोगों के लिए ये सब हो पाया है, मेरे लिए 5 सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मुझे हेल्प कीजिए, मेरा चैनल को ग्रो करने के लिए मदद कीजिए प्लीज़। और मैंने आज एक रेसिपी शेयर किया है जो बिहार का जो झारखंड का एक रेसिपी है, जैसा लिट्टी चोखा बिहार का है वैसे ये झारखंड का एक फेमस डिश है जिसका नाम है दुसका आलू का चोखा। तो मैंने ये रेसिपी शेयर किया है, बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी है। तो आप लोग इसको प्लीज़ घर पर ट्राई कीजिएगा, और ये घर के जब घर पे जो जो अपने रहते हैं किचन में उसमें बन जाएगा, आपको स्पेशली कुछ अलग से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी के लिए। तो प्लीज़ मेरा ये रेसिपी आप वॉच कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, अपने फैमिली के साथ, प्लीज़ फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप ये मेरा वो वीडियो देखिए जो मैंने कुकिंग का जो दुसका का जो रेसिपी बनाया है, तो देखिए। ये मैंने दाल, उड़द का दाल, चावल, चने का दाल और थोड़ा तुअर का दाल भिगो दिया। ये 4-5 घंटा भिगोना पड़ता है, लेकिन मैंने इसको गर्म पानी में ढक के रख दिया था, थोड़ा गर्म पानी डाल के भिगो के, तो ये भीग गया, फूल गया। इसको मैंने मिक्सर में डाल के 4 हरा मिर्चा डाल के स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसका कंसिस्टेंसी इतना ही रहना है, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसा स्मूथ पेस्ट बना लेना है। वो दाल चावल का हरा मिर्चा डाल के मैंने करा है ये। हरा मिर्चा को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और हल्दी डालूँगी थोड़ा, आधा चम्मच, हल्का सा हल्दी, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच से भी कम हल्दी डालूँगी। और ज़ीरा डालूँगी 1 चम्मच, और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा खाने का सोडा, खाने का सोडा थोड़ा सा डालूँगी 1/4 चम्मच। फिर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी, इसको जितना अच्छा से हम लोग एक साइड से फेंटेंगे वो उतना फ्लफी होगा, उतना फूलेगा और टेस्टी होगा खाने में। इसको अच्छा से मैं फेंट लूँगी, ऐसा स्मूथ पेस्ट बना लूँगी फेंट के। अब मैं कुकर में तब तक इसको पेस्ट बना के रख दिया है मैंने। अब मैं कुकर में थोड़ा सा तेल डालूँगी आलू चोखा के लिए। कुकर में तेल डाल दिया मैंने, तेल गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी हरा मिर्चा और हींग डालूँगी मैं। फिर ये जब थोड़ा सा पक जाएगा फिर मैं इसमें डालूँगी आलू, आलू को थोड़ा मोटा मोटा बड़े बड़े काट के डालूँगी। फिर थोड़ा सा इसको फ्राई करके इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हल्दी और नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। और उसमें मैं 2 टमाटर बड़े बड़े काट के डाल दूंगी। फिर इसमें 1 कप पानी डाल के 4 सीटी मार लूंगी। हाय फ्रेंड्स, मैं जो दुसका का रेसिपी बना रही हूँ, ये झारखंड का फेमस डिश है, तो मैं तब आप लोगों के सामने नहीं आ रही थी, सब कुछ बता रही थी वो
मिक्स करने में मैं बिजी थी, सो इसको मैं तल रही हूँ अब धुसका को। तो सब्जी तो आपने रेसिपी देख ही लिया होगा, अब मैं इसको धुसका को तलने का रेसिपी आपको दिखा रही हूँ कैसे इसको तलते हैं। आप इसको ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसका पूरा सामान जिससे ये बनता है, ये सब कुछ आपके घर पे वो होगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल करके खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं होगा, सब कुछ आपके घर पे ही मिल जाएगा। और बहुत इजी भी है बनाना और बहुत जल्दी बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा झंझट नहीं लगता। तो देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी ऐसे, ऑयल हो गया है हम लोग का गरम। अब कुछ ऐसे चम्मच से, स्पैचुलर से आप इसको लेके इसमें डालेंगे, कुछ ऐसा चम्मच होना चाहिए। सावधानी से आहिस्ते आहिस्ते डालिएगा। मैं गैस को अभी थोड़ा सिम कर दे रही हूँ क्योंकि तेल बहुत गर्म हो गया है, हम लोग का ऑयल बहुत गर्म हो गया है। देखिए ये कितना अच्छा फूल रहा है। कितना मस्त फूल रहा है ये। ऐसे ये कढ़ाई छोड़ेगा फूल के। एक्चुअली मैं ये फर्स्ट टाइम ये शेयर कर रही हूँ रेसिपी, और मैं फर्स्ट टाइम खुद घर पे बना रही हूँ, तो मुझे ज्यादा बेचने आता था, तो मैंने ये खुद नहीं बनाया था, ये मैं फर्स्ट टाइम खुद बना रही हूँ। तो इसको टेस्ट करके मैं आपको बोलूंगी। इसको हम लोगों को ऐसे तल लेना है, थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, ऑयल बहुत गर्म है। सब्जी को दो चार सीटी लगा के हम लोग उतार देंगे कुकर का। अच्छे से निकाल के हम लोग तेल से निकाल लेंगे धुसका को। एकदम यूनिक रेसिपी है, आप जरूर इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा। ये मैं पहले भी खा चुकी हूँ, ये बहुत यम होता है। ये बन गया हमारा धुसका और ये चोखा। तो इसमें मैंने डाला है, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लास्ट में काट हरा धनिया और थोड़ा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर पिसा हुआ, बस और कुछ नहीं डाला। और बन गया धुसका और चोखा।